अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगी। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी मुश्किलें आसान पैदा करे। तो बीच में से मैं गायब हो गई थी, मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी, तो इसकी ये ख़ास वजह थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं मस्कत थी, तो इस वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा और फिर मैं पाकिस्तान आ गई। यहाँ भी मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। और ये था कि अब अल्लाह पाक ने मुझे ना काफ़ी साल बाद खुशी दी थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, इस वजह से फिर मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। तो उस पर अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमत से नवाज़ा और अल्लाह पाक ने मुझे बेटी अता की और अब माशाल्लाह वो 4 मंथ की हो गई है। तो उसकी भी काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो अब मैंने प्रॉपर सोचा कि मैं डेली एक न एक वीडियो बना के डालूँगी और साथ साथ आप बहन भाइयों से बातें भी करूँगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करना। तो ये डेली के काम है, जो रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये सुबह का टाइम है तो थोड़ी बहुत मैंने कहा कि रूम की सफाई कर दूँ और साथ साथ फिर ज़ाहिर काम भी हैं, सारा कुछ है। अभी मैंने नाश्ता किया है, नाश्ता क्या सिर्फ चाय मैंने बनाई है और वही मैंने पी है। इसके बाद जो रूटीन के फिर काम है वो करूँगी। कपड़े सारे बिखरे पड़े हैं मेरे भाई के और ये धोने वाले हैं कपड़े, ये फिर मैं मशीन में डालूँगी और वॉश कर लेंगे। रूम मैंने साफ़ कर लिया है। तो यहाँ जी अब मैं सफाई करने लगी थी तो ये चीज़ें कुछ मैंने समेटी हैं क्योंकि हम लोगों ने जगह गिराई थी, तो इस वजह से फिर किचन भी हमने नया डालना था। और फिर अब सफाई करके यहाँ पे मैं चूल्हा रखूँगी। बारिश रोज़ आ रही है, बहुत मसला हो रहा है। कभी अंदर रखें कभी बाहर रखें तो बहुत परेशानी होती है बारिश की वजह से। प्रॉपर किचन तो नहीं है लेकिन ये है कि खुली जगह है यहाँ बैठने की, बर्तन वॉश कर लिए। यहाँ पे जो मैं चूल्हा वॉश करने लगी हूँ, काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था। ये मौसम ख़राब की वजह से कभी बाहर लेकर आते कभी अंदर कभी, तो मिट्टी है सारी इसके ऊपर और मैंने कहा इसके ऊपर अच्छी तरह इसको वॉश कर दो। ये डेली के रूटीन के काम है, ये तो करने ही करने होते हैं। काफ़ी मौसम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिल ही नहीं करता सुबह काम करने को। इसको मैं अच्छी तरह वॉश करूंगी। देखिए ये नीट हो गया, अच्छी तरह इसको ऊपर से साफ कर दूंगी। आज हवा कुछ चली हुई है लेकिन गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। रात को भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। ये फिर मौसम साथ साथ चलता ही रहना है। यहाँ पे फिर मैंने एक कप चाय बनाया अपने लिए और यहाँ पे दूध थोड़ा पड़ा था वो बॉईल किया है। और अब बर्तनों की बारी है, बर्तन वॉश करूँगी। यहाँ मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया है, अब ये पानी डाल के ये जगह मैं साफ़ कर दूँगी। और जो पहले मेरे साथ मेरी बहन सब्सक्राइबर हैं वो मेरे साथ जुड़ी रहें और मैं उनके साथ जुड़ी रहूँगी। और मेरी भाई वो वीडियो को फुल वॉच करना, धूप बहुत है, काम तो फिर काम करने ही है। ये जगह अब साफ कर दूंगी और पानी डाल के
आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा भी चली हुई है लेकिन गर्मी भी है। यहाँ पे जी जूस बनाते हैं, मैंगो पड़ा है और क्या निकलता है, और कुछ ये बनाना है। यहाँ पर मैंने प्यारी सी अपनी बेटी को सुला दी है, दूध पिला के घंटा दो सोएगी और फिर ये इसके साथ बातें करूँगी, खेलेगी। यहाँ पे मैंगो को वॉश करूँगी और इसका मिल्क शेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं मिल्क शेक बनाऊँगी, दो मेरे पास है बनाना और एक मैंने मैंगो लिया है, और इसमें फिर मैं दूध डाल के, फ्रिज में पता आपको बहुत नरम हो जाते हैं ये, इधर से ये खराब है निकाल दूंगी। दो गिलास मैंने बनाने, एक मैंने मैंगो और दो बनाना इसमें मैंने ऐड करने हैं। इसके ऊपर से अच्छी तरह छिलका उतार लूंगी और ये बना लूंगी। आपने मेरे वीडियो को फुल वॉच करना है, सपोर्ट करनी है, हम छोटे यूट्यूबरों को एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो तभी चैनल आगे ग्रो कर सकेगा। तो अब उम्मीद है कि प्रॉपर मैं कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ब्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो छोटी बेटी है इस वजह से फिर सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता काम का। ये ऊपर से मैंने कट कर लिया, अब इसमें को मैं ये कट करके इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे जी मैं दो गिलास इसमें दूध ऐड करूँगी और दो तीन मिनट के लिए मैं इसको चलाऊंगी। ठंडा दूध था इसलिए मुझे इसमें बर्फ डाली नहीं, थोड़ी ठंडा था दूध। दो गिलास मैंने बनाने थे। ये जी रेडी हो गया है, दो बना लिया है मैंने। अब मैं इसमें आपको डाल के दिखाऊंगी, ये मैंने बना लिए हैं दो गिलास, दो गिलास से भी बल्कि ज़्यादा बन गया। तो इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आज का व्लॉग आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा, और इसके साथ ही मैं और भी व्लॉग बनाती रहूँगी अच्छे। अल्लाह हाफिज़।